रक्षाबंधन के पर्व में भाई बहनों की रक्षा के वचन के बीच आज राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा पौरी विधानसभा के ग्राम भैंसदा में आदिवासी बहनों के बीच राखी बंधवाने पहुंचे। इसी बीच उन्होंने बहनों से राखी बंधवाने के बाद उपहार भेंट करने के बाद रक्षा का संकल्प लिया और बोले कि प्रदेश में सभी के उत्थान के साथ भाजपा सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रयास कर रही है। आदिवासी बहनें अब कच्चे मकान से प्रधानमंत्री आवास के पक्के मकानों में आ गई हैं। भाजपा सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे भाई बहनों के विकास की बात भाजपा सरकार कर रही है। रक्षा का वचन आज बहनों को दिया है, क्षेत्र और उनके विकास के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अपने आदिवासी बस्ती में रक्षाबंधन का पर्व मना, क्या आपने उनको वचन दिया, किस प्रकार से इस समुदाय का उत्थान के बताएं? साल भर में आज हमारा त्यौहार आता है रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन दिन बहन भाई के यहाँ राखी बांधती है और बहन इसलिए राखी बांधती है कि भैया साल भर उसकी रक्षा करेगा। तो मैं सब बहनों को आश्वासन देता हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ। मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म भी बनता है। जिन बहनों ने मेरे राखी बांधी है, सारी बहनों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है और बहनों की उसी तरह मैं रक्षा करूंगा जैसे एक भाई अपनी बहन की करता। इसलिए मैं सौभाग्यशाली हूं, मुझे हजारों बहनें मिली हैं और मेरा दायित्व बनता है, उन्हें इतनी शक्ति दी है, मैं हजारों बहनों की रक्षा करूंगा। क्या उत्थान के लिए, समाज के लिए क्या प्रयास है सरकार के पास? मेरा एक ही उद्देश्य है, सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान है और हमेशा सोच मेरा एक ही रहा कि हमारे आदिवासी भाई और बहनें बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र मेरा था, तो मैं चाहता हूँ कि हमें और मेरी बहनों में कोई फर्क ना हो, मेरे भाइयों में कोई फर्क ना हो। इसलिए सबसे पहले मैं इस गांव के लिए मैं नल जल योजना स्वीकृत कराई, एक बोर कराया पानी नहीं निकला, दूसरा कराया नहीं निकला, तीसरा कराया निकल गया। और मैंने अपने नेता श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिराव सिंधिया महाराज को कहा, इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को कहा और उन्होंने मेरी बात को स्वीकार करते हुए ऐसा कोई गाँव नहीं छोड़ा। उसके लिए मड़ी खीरा का पानी कोई सपनों में नहीं सोचता था कि पौरी में आएगा, लेकिन मड़ी खीरा का पानी पौरी आएगा, टंकी का मतलब।